मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। और अभी सुबह के 10:30 होने वाले, मैंने अभी तक चाय नहीं पी है, तो यहाँ मेरी चाय बन रही है अभी। और मैंने ना बाबू को सुलाया है अभी, क्योंकि वो सुबह बहुत जल्दी जाग गया था 7 बजे, तो मुझे पता था वो हर 2-2.5 घंटे बाद सोता ही सोता है, तो इसलिए मैंने उसे जगा भी दिया सुबह। मैंने वो जगाया नहीं, रोने लगता, पता नहीं क्या होता रात में ना, बच्चे रोने लगते हैं और उन्हें दूध की बोतल दो फिर भी रोने लगते, पता नहीं क्या रीजन है उनके जागने का। तो मैंने उसे भी सुबह ना जल्दी उठा दिया, मैंने कहा कि अब ठीक है, अब मैं जैसे चाय वाय पीती हूँ, पूजा वगैरह करती हूँ ना, इस वक्त सो जाता है वो, तो ये मेरी टेक्निक है, उसको जल्दी उठा देती हूँ जिस टाइम पे मैं उठती हूँ, वो नीचे खेलता रहेगा। अब सोया हुआ है और देखो 15 दिन कैसे बीत गए। गजलक्ष्मी व्रत मैंने रखा हुआ था 16 दिन का, और अब पूरे 15 दिन हो गए हैं। कल 16वां दिन है, आज पूजा का मेरे को थोड़ा सामान बाकी है जो कि लेके आना है पूजा का, जोत बत्ती और ये सब जो होता है हवन का ही ना। तो वैसे क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध में कुछ नया कपड़ा वगैरह तो खरीदते नहीं, पर मैं पूजा का सामान तो ला ही सकते हैं, पूजा का सामान ही ला रही हूँ। और कल देखते हैं देवी माँ, बस सारे व्रत ऐसे ही पूरे करा दे, ऐसे ही दिन बीत जाते हैं पता नहीं चलते हैं। और फिलहाल में मेरी चाय बनने वाली है अभी। मुझे ना चाय के साथ कुछ ना कुछ खाने की आदत है, तो मैं सोचती हूँ नमकीन, अब बिल्कुल मन नहीं करता अंदर से कि मैं नमकीन खाऊं या कुछ भी खाऊं, इतने दिन में ना वो आदत बन जाती है शरीर को ना खाने की, और बहुत अच्छा है। और आप वीडियो में तो पता नहीं लग रहा होगा कि मैं थोड़ी पतली सी लग रही हूँ, वैसे दिख रहा है मेरा पेट ना यूं आ जाता है बाहर बनना, अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैं स्लिम सी हो गई हूँ, मुझे खुद को लग रहा है, पर एक्चुअल में जब मैं वेट तोलूंगी तभी पता लगेगा कि मैं स्लिम हुई हूँ या नहीं। खुशी होती है पर खाना छोड़ा जाता नहीं, ये भी बात है सच। देखते हैं वेट क्या है, पहले मैं चाय उबलने वाली हूँ। शाम के 3:15 हो गए और मुझे पूजा का ना कल का थोड़ा सा सामान लेने जाना है मार्केट, पुष्प फूल वगैरह, और अब मैं जाऊंगी, मेरा बाबू उठ गया और ये बच्चे खेल रहे हैं, ये जाएंगे ट्यूशन। मैं बाजार से होके आ गई पूजा का सामान लेके, और अब शाम को मैं बनाने जा रही हूँ गोभी आलू, जो कि मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ, और क्योंकि बच्चे थोड़ी सब्जी खाते हैं, तो गोभी आलू के साथ 1 या 2 पराठा बनाऊंगी आज के शाम के भोजन में। और कल है पूजा का आखिरी दिन, मतलब समापन जिसे कहते हैं, तो 16 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं लगे भगवान जी की कृपा से। मैं बना रही हूँ अब गोभी आलू, तो मैंने ना ये पैन चढ़ा दिया है, और मेरा ये अलग से ऑयल है ये, और यहाँ मेरी रखी रहती है मसाला दानी एकदम कोने में, क्योंकि मसालों को ना मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया था, सब जगह फैले फैले ना, जैसे ही एंट्री करो वैसे सही नहीं लगते। तो मेरी सब्जी ना पूरी जल गई, मैं पूजा में बैठ गई, वो मैंने सोचा इसमें थोड़ा सा पानी डाला है मैंने, और ये तो पूरी जल गई आलू गोभी। वैसे फिलहाल मैंने ना यही खा लिया है खाना, और मेरी बाबू रह गई है बस खाना खाने के लिए, इसको ऐसे ढक देती हूँ ताकि ये गिरे ना। और मैंने अपनी किचन भी साफ ही कर लिया, बर्तन फैले रहते हैं, वैसे अव्यवस्थित ही लगती है मेरी किचन। और मैं बाबू को देखूँ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बाबू, चुन्नू कहाँ है तू? मेरा बाबू तो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ता हो तो सही दिखता, मुझे इतनी तेज नहीं लाग रही है। रोक रोक उसे पॉपकॉर्न वाले का, रोक तो सही, तू रोक चला जाएगा, मैं नहीं दिलाऊंगी फिर, रोक, पॉपकॉर्न चाहिए सर।
उसने तो पॉपकॉर्न ले लिया, लंच बॉक्स जल्दी निकाल दिया करो बाबू, मुझे धोने में इतनी परेशानी होती है। तो मेरा आज का दिन ना ऐसे ही बीत गया है, बस मैं ज्यादा ना मैल पड़ी रहती हूँ व्रत में ऐसे ही, तो कुछ नहीं। तो ये व्लॉग मेरा यहीं एंड होता है, मैं मिलूंगी कल आपसे नए व्लॉग में। मेरे चैनल पे नए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो।